हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉक सीईटी टेस्ट फ्रॉम युवा सेना। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 ऑफ सीईटी और इसका सोल्यूशन देखेंगे। द क्वेश्चन हियर इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपके सामने अब चार स्टेटमेंट आएंगे यहाँ पे, ए बी सी डी। ये चारों स्टेटमेंट में से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। इसका मतलब तीन स्टेटमेंट करेक्ट होंगे और एक रॉन्ग। सो लेट्स सी दिस। द फर्स्ट स्टेटमेंट ए सेज दैट इन माल्टोस कार्बन वन ऑफ वन अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस इज लिंक्ड विद कार्बन फोर ऑफ अनदर अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस। तो क्विकली हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे माल्टोस का। लेट्स सी द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। इन सेलोबायोस कार्बन वन ऑफ वन बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस इज लिंक्ड विद कार्बन फोर ऑफ अनदर बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस। तो वंस अगेन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सेलोबायोस। लेट्स सी ऑप्शन सी। इन सुक्रोज कार्बन वन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस इज लिंक्ड विद कार्बन फोर ऑफ अनदर अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस। नाउ प्लीज सी द स्टेटमेंट वंस अगेन, देयर इज अ कैच। द कैच इज दैट कि सुक्रोज में यहां कह रहे हैं कि दोनों ग्लूकोपाइरेनोस स्ट्रक्चर है। एंड वी नो दैट सुक्रोज इज अ डाइसैक्राइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सो राइट नाउ हमारे पास सही जवाब मिल गया हमें, लेकिन हमें आगे भागना नहीं है, हमें फोर्थ स्टेटमेंट भी देखना है, बिकॉज यही गलती हमेशा सीईटी में हम लोग कर देते हैं। तो लेट्स सी द फोर्थ स्टेटमेंट। इन सेल्यूलोस कार्बन वन ऑफ बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस इज लिंक्ड विद कार्बन फोर ऑफ अनदर बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस। सो क्विकली हम लोग क्या करेंगे एग्जाम में, क्योंकि समय कम होता है, फटाफट सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। बट यहाँ पे अगर हम इनफ है स्मार्ट तो हमें आंसर तुरंत पता चल जाएगा कि सी है। तो फट से हम क्या करेंगे कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आंसर सही सी है, सुक्रोस। लेट्स सी द सोल्यूशन। तो पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस का। ये अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस का स्ट्रक्चर है। सिमिलरली हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोस एंड बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोस। नाउ लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोस। एज यू नो दैट माल्टोस इज अ डाइसैक्राइड विच इज मेड अप ऑफ बोथ द यूनिट्स, दैट इज ग्लूकोज। तो यहाँ पे भी देखेंगे अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस है और यहाँ पे भी अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस है, और कार्बन वन ये ग्लूकोपाइरेनोस का कार्बन फोर से जुड़ा हुआ है। ओके So, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट वॉज करेक्ट। लेट्स सी द सेकेंड स्टेटमेंट, सेलोबायोस। सेलोबायोस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये दो बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस से जुड़ा हुआ है और ये भी कार्बन वन और कार्बन फोर से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। हालांकि अगर आप सुक्रोस का स्ट्रक्चर देखेंगे, जो हमारा सही जवाब है, ये स्ट्रक्चर बना है वन ग्लूकोज स्ट्रक्चर एंड अदर इज फ्रक्टोज, और यहां पर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। तो ये हमारा सही जवाब है, बिकॉज सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बना है। स्टेटमेंट रॉन्ग क्या था कि दोनों स्ट्रक्चर ग्लूकोज के बने हुए हैं। नाउ लेट्स सी सेल्यूलोस। सेल्यूलोस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस अटैच विद कार्बन वन एंड कार्बन फोर। तो इससे हमें यह पता चलता है कि सही आंसर था सुक्रोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सोल्यूशन। सी यू नेक्स्ट टाइम।